हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल हमारे देश में फासिज्म के अगेंस्ट में लड़ाई कुछ ज्यादा ही सीरियस होती जा रही है, और उसका एक ताजा उदाहरण है कुलविंदर कौर, जो एक CISF जवान है, और इन्होंने अभी एक बीजेपी MP कंग्राम रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मार दिए। क्यों मारा, कैसे मारा, वो सब हम लोग अभी आने वाले स्लाइड्स में समझने वाले हैं। बट द थिंग इज दैट ये अपनी अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के चक्कर में जो इलेक्टेड MPs को थप्पड़ मार रही है, शी डिजर्व नथिंग लेस देन अ जेल टर्म एंड अ हैवी फाइन। और जो हमारे लिबरल्स हैं, जो बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो कंगना को थप्पड़ मार दिया, वो ये बात नहीं समझ रहे हैं कि CISF हमारी कोर इंडस्ट्रीज, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स, हमारे और भी अदर जो कन्वेंशनल इंडस्ट्रियल हमारे जो इंस्टॉलेशन है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। अगर वहां के जवान अपने यूनिफॉर्म की ड्यूटी से ऊपर उठ के अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के चलते लोगों पर अटैक करने लगे, तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी हमारे देश की। तो सो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अपीजमेंट की भी एक लिमिट होती है, और मोदी गवर्नमेंट ने वो सारी लिमिट्स छोड़ रखी है ना। इनको हमेशा माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज करना है, पसमंदा करना है। चलो वो तो एक अलग केस हो गया, उस पर तो हम बाद में आएंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हुआ क्या। सो बेसिकली ये कह रही है कि जब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे थे, तब इनकी जो माँ थी कुलविंदर कौर की माँ वहां पे बैठी थी प्रोटेस्ट पे, और तब कंगना ने कहा था कि 100-100 रुपए लेके लोग बैठते हैं, जो कि बहुत गलत बात तो है नहीं, बट अब उनके इमोशंस हर्ट हो गए उसमें। सो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के चलते अपने यूनिफॉर्म की भी ध्यान नहीं रखा, और उन्होंने किसी को मार दिया। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि द इनएबिलिटी ऑफ आर सिक्योरिटी फोर्सेस टू राइज अबव देयर पर्सनल ग्रजेस और रिलीजियस इश्यूज इज अ वरीसम साइन। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि CISF सिर्फ एयरपोर्ट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता है, वो हमारे सेंसिटिव इंस्टॉलेशन जो हैं, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, स्पेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पोर्ट्स, ऑयल फील्ड्स, कोर इंडस्ट्रीज, हमारे पावर प्लांट्स, उन सबको भी प्रोटेक्ट करता है। सोचिए अगर हमारे सिक्योरिटी पर्सनल ही कॉम्प्रोमाइज हो अपने रिलीजियस या पोलिटिकल आइडियोलॉजी के चलते, तो कैसे आप उनको कंट्रोल करेंगे। आपने रिक्रूटमेंट के पहले जो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस में लिए हैं, उनकी सेंसिटाइजेशन नहीं की है, उनकी रेडिकलाइजेशन के लिए स्कैनिंग नहीं की है। अब हुआ यह है कि कुलविंदर कौर हमारे लिबरल्स की नई हीरो बन गई है ना, क्योंकि उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया। आई होप कि अब से होम मिनिस्ट्री ये सब चीजों का ध्यान रखे। लेकिन ये सब स्टार्ट कहां से हुआ, इतनी माइनॉरिटी की अपीजमेंट करोगे आप, ये हम सबको पता है। ये है अमृतपाल सिंह, ये अभी हाल ही में पंजाब से इलेक्शन जीत कर आ गए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि CISF ने उनको सस्पेंड भी कर दिया है, और उनके अगेंस्ट एक FIR भी वहां पे रजिस्टर हो गया है, एंड होपफुली सम स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता है किसको होगी, जो सिख हैं अक्रॉस इंडिया, जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस में या सेंसिटिव पोजिशंस पे बैठे हैं, अब उनको शक की नजर से देखा जाएगा बिकॉज ऑफ वन स्टूपिड वुमन कॉल्ड कुलविंदर कौर, राइट। सो ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन ये सब स्टार्ट हुआ कहां से, इनमें इतनी हिम्मत आती कहां से है। पहली बात तो ये इलेक्शन हार चुके हैं, मतलब जिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोगों को ये सपोर्ट करते हैं वो इलेक्शन हार चुके हैं। लेकिन जब ये लोग रेड फोर्ट पे बैठ के निशान साहिब लगा रहे थे, तब मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि मोदी सरकार को वोट हिंदुओं से लेना है, लेकिन अपीजमेंट माइनॉरिटीज का करना है, वो मुसलमान हो या सिख हमारे भाई, है ना। यहाँ पे जब आपने इतना बड़ा ये जो एक नॉनसेंस आपने क्रिएट किया था, फिर हमने देखा था किस तरीके से खालिस्तानी समर्थकों ने दिल्ली पुलिस को मारा था, वहां पे कैसे ट्रैक्टर्स चलाए थे, कैसे रेड फोर्ट पे हमला किया गया था, सब कुछ हमने देखा था सब कुछ। लेकिन उसके बाद भी होम मिनिस्ट्री ने कुछ नहीं किया, वो सब चलता रहा। जब आपकी पुलिस खालिस्तानियों के सामने हाथ जोड़ के बैठी रहेगी ना, तब आप कितना भी 56 इंच का सीना बोलते रहो, कॉन्फिडेंस आप इन्वोक नहीं कर पाते हो। यही फैक्ट है, यही रियलिटी है। मोदी एंड शाह व्हाइल सिटिंग इन देयर एयर कंडीशन रूम्स डिड नॉट सीक एनी रिपोर्ट ऑफ हाउ खालिस्तान इज हाउंडेड द दिल्ली पुलिस आफ्टर द 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड, है ना। परेड होती रही और ये लोग कुछ भी करते रहे, ये आपने होने दिया। फिर हमारी डेमोक्रेसी के भी है ना, मतलब कितनी शाबाशी दी जाए उतना कम है। अमृतपाल जैसा खालिस्तानी इलेक्शन, मतलब इलेक्शन फाइट भी कर लेता है, जीत भी जाता है। मतलब सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं, यहाँ पे जर्नैल सिंह भिंडरांवाले का फोटो लगा रखा है, वो उसको शहीद मानते हैं। ये एक ओपन खालिस्तानी है जो आज इंडियन डेमोक्रेसी के चलते यहाँ पे पार्लियामेंट का इलेक्शन भी जीत चुका है ना। धन्य हो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और फिर आप देख सकते हैं कि वारिस पंजाब के चीफ है अमृतपाल, वो खदूर साहिब से 1.97 लाख वोट, ऑलमोस्ट 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं।
इसी को कहते हैं सो कॉल्ड इंडियन डेमोक्रेसी की खूबसूरती, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर थिंग कॉल्ड इंडियन डेमोक्रेसी। मोदी जी ने तो कहा ही था कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, अब भैया देख लो क्या होता है डेमोक्रेसी, है ना। अ खालिस्तानी टेररिस्ट इज विनिंग इलेक्शन इन इंडिया, हम कुछ नहीं है, हम एक बहुत बड़े जोक है। जिस देश की इंटरनल सिक्योरिटी को जिन लोगों ने कभी क्षति पहुंचाई थी, जिसको जिन लोगों ने एंडेंजर किया था, आज उसी आइडियोलॉजी के लोग पार्लियामेंट में इलेक्शन जीत के आ रहे हैं, है ना। और आप देख सकते हैं कैसे घूम रहे हैं ये लोग, है ना। ये हालांकि फोटोज पुरानी है, बट द पॉइंट इज दैट ये सब होता रहेगा, क्योंकि मोदी और शाह को अपीजमेंट करना है, उनको सर्वधर्म संभाव करना है, ये सब करना है उनको। यहीं से तो शुरुआत हुई थी इन सब चीजों की। सो आई होप पीपल सिंपली गेट टू रियलाइज कि ये जो कंगना को थप्पड़ मारने का जो इश्यू है, ये सिर्फ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस जिससे आप बिल्कुल भी अग्री नहीं करते उसके पॉलिटिकल व्यूज को, थप्पड़ मारने का नहीं है। दिस इज अ लार्जर थिंग, अंडरस्टैंड दिस, है ना। एक खालिस्तानी आज इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट में आ रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई दूसरी डेमोक्रेसी होती ये सब अलाउ नहीं होता, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी है, वी आर अ बिग टाइम जोक एक्चुअली। सो ये सब होता रहता है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।